तो देखिए, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष गौरव गोगोई फीडबैक ले रहे हैं। बैठक चल रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में ये फीडबैक लिया जा रहा है। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अभिषेक दत्त और गणेश गोदियाल मौजूद हैं। लगातार हारने वाली 52 सीटों को लेकर कमेटी मंथन कर रही है। आज 26 विधानसभा के 52 ब्लॉक अध्यक्ष के साथ कमेटी की चर्चा है, जो कि फीडबैक देगी। शेष 26 सीटों के ब्लॉक अध्यक्षों के साथ कल बैठक होनी है। और जो आपको बताएं कि बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, कोटा, पाली, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर शहर के ब्लॉक अध्यक्षों से फीडबैक लिया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्रों के मौजूदा विधायकों, पराजित विधानसभा लोकसभा प्रत्याशियों से गौरव गोगोई मिलेंगे। तो देखिये, बैठक की शुरुआत हो चुकी है पीसीसी वॉर रूम में। और क्योंकि कोशिश यही है कि जो सीटें कांग्रेस ने हारी हैं उन पर प्रत्याशी उतारा जाए पहले, जिससे उन प्रत्याशियों को जनता के बीच जाने के लिए समय मिल जाए। आज 26 विधानसभा के 52 ब्लॉक अध्यक्ष के साथ कमेटी की चर्चा है। और आप देख रहे हैं कि गौरव गोगोई इस बैठक में पहुंच चुके हैं, गणेश गोदियाल साथ हैं, बाकी और सदस्य अभिषेक दत्त भी मौजूद हैं। बाकी 26 सीटों के ब्लॉक अध्यक्षों के साथ कल बैठक होगी। आज और कल महामंथन का दौर जारी रहेगा। और देखिए, टिकट का काउंटडाउन भी इसी के साथ शुरू हो चुका है और इसलिए ये बैठक हो रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष गौरव गोगोई फीडबैक ले रहे हैं ब्लॉक अध्यक्षों से। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अभिषेक दत्त को आप देख पा रहे हैं और साथ ही साथ गणेश गोदियाल भी मौजूद हैं। गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हालांकि 2022 में जब इलेक्शन हुआ था तो कमान उन्हीं के हाथों में थी। वो बात अलग है कि कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई और हार की जिम्मेदारी लेते हुए गणेश गोदियाल ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब बात राजस्थान की कर रहे हैं। लगातार हारने वाली 52 सीटों को लेकर कमेटी मंथन कर रही है। आज 26 विधानसभा के 52 ब्लॉक अध्यक्षों के साथ कमेटी की चर्चा शुरू हो चुकी है। और बाकी अगर 26 की बात की जाए तो 26 सीटों के ब्लॉक अध्यक्षों के साथ कल बैठक होगी। गौरव गोगोई फीडबैक ले रहे हैं लगातार। हालांकि विधानसभा क्षेत्रों के मौजूदा विधायकों, साथ ही साथ जो पराजित विधानसभा लोकसभा प्रत्याशियों से गौरव गोगोई मिल रही हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। योगेश जी, क्योंकि अब मंथन तो शुरू हो चुका है, बैठक भी शुरू हो चुकी है, यानी कि हम ये मानकर चलें कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहीं से ही जो फीडबैक जाएगा वो ऊपर तक जाएगा और ऊपर के बाद फिर आलाकमान से हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद सूची सामने आ जाएगी। देख सकते हैं आप कि किस तरह से एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी की लेवाई में जनसभा है और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि जयपुर में कांग्रेस के वॉर रूम में गौरव गोगोई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ले रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि किस तरह से राजस्थान में कांग्रेस की सक्रियता आप देख सकते हैं कि गौरव गोगोई उन 50 से अधिक सीटों को लेकर मंथन कर रहे हैं। आज से शुरुआत कर दी, जहां कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले चुनाव में हार रही है, चाहे 2 चुनाव हो, चाहे 3 चुनाव हो, 4 चुनाव हो, उनके ब्लॉक अध्यक्ष, उनके स्थानीय प्रमुख नेता, पिछले चुनाव में पराजित नेता, लोकसभा चुनाव में पराजित नेता, तमाम वहां के प्रमुख नेताओं से उनकी मुलाकात का सिलसिला चल रहा है और फीडबैक लिया जा रहा है। साथ में अभिषेक दत्त भी हैं और गणेश गोदियाल भी हैं, जो कि दोनों स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। जी, उस सब पहले दौरे में हम वर्तमान के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, जो AICC के जनरल सेक्रेटरीज हैं, जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद रह चुके हैं, बड़े नेतागण जो हैं, उन सभी से हमने मुलाकात की और एक बहुत ही एक अच्छा हमको स्थिति हमको मिला। इस बार हमारा 2 दिन का दौरा है। विशेष रूप से इस बार का उद्देश्य ये है कि 52 सीट ऐसे हैं राजस्थान में जहां पर कांग्रेस पिछले 3 बार से लगातार हारती हुई आ रही है। इस बार हम सभी का ये उद्देश्य है कि इस 52 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हमको कांग्रेस का झंडा
लहराते हुए दिखना चाहिए। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने विशेष रूप से ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया हुआ है और ब्लॉक अध्यक्षों को हम जयपुर में वॉर रूम में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ज़िला के बारे में, उनके विधानसभा के बारे में किस प्रकार की संगठन की तैयारी हुई है और साथ ही साथ किस प्रकार से हमने पिछले पंचायत चुनावों में हमारा क्या हमारा नतीजा रहा है। तो ये हमारी प्रयत्न है कि हम चाहेंगे कि ये जो 52 सीटें हैं जिसमें भाजपा का एक विनिंग रिकॉर्ड है, उस विनिंग रिकॉर्ड को हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस बार तोड़ना है। तो ये हमारा उद्देश्य है। बीजेपी भी इसी तरह का कर रही है कि जो डी ग्रुप यानी उन्होंने ABCD से मार्ट रखा है, जो लगातार बीजेपी हार रही थी उस पर नए सिरे से किया। बाहर के जो लोग हैं यानी समझे कि सातों संभाग के लिए कल चुनाव प्रभारी उन्होंने तय किए हैं, जो संगठन महामंत्री अलग अलग प्रदेशों में जो जिनको चुनाव का वो है। दूसरी ओर परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है पूरे प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि माहौल बदल रहा है, ये परिवर्तन यात्राएं सत्ता परिवर्तन का एक कारक बनेगी, जो भीड़ उमड़ रही है। क्या लगता है आपको कि ये जो परिवर्तन यात्राएं कारगर होगी और कांग्रेस रिपीट की बात कर रही है, तो क्या लगता है आपको? आपने BJP की कार्यसूची मुझे सुनाई, मैं आपको कांग्रेस की कार्यसूची सुनाता हूँ। हम 3 स्क्रीनिंग कमेटी, हम ये 2 बार हम दौरा कर चुके हैं। आज प्रियंका गांधी जी एक बड़ी रैली कर रही है, पिछले कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी रैली करके चले गए, उनकी रैली में जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो आज तक अमित शाह की एक भी रैली में इकट्ठा नहीं हुई है। हमारे जो लोकसभा 25 लोकसभा है वहाँ पे हमारे AICC के जो हमने एक विशेष कमेटी बनाई है जो 25 के 25 लोकसभा में जाकर लोगों से उन्होंने जनसुनवाई की है, लोगों से मिले हैं। वैसे ही हमारे अलग अलग हमारे टीम अलग अलग पंजाब से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, और अंत में जाके जिस बात पे हर चुनाव का नतीजा निर्भर करता है, लोगों की राय, लोगों की राय आज कांग्रेस दल के पक्ष में है। राजस्थान में जो एक होता है हर चुनाव से पहले कि 1 साल पहले ही लोग अपना मन बना लेते हैं कि उस समय की सरकार को हटाना है, इस बार ये हम एक नई चीज़ राजस्थान के लोगों में देख रहे हैं कि इस बार वो जो स्वभाव है, वो मन का जो भाव है वो नहीं है। इस बार सरकार को वापस लाना है, कांग्रेस पार्टी को दोबारा जिताना है। तो मैं लोगों की राय में विश्वास करता हूं और लोग ने जिस प्रकार से हमें प्रेम और सम्मान आगे बढ़ाया है उसी को साथ रखते हुए मुझे लगता है कि राजस्थान में दोबारा कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। बीजेपी वाले इस राष्ट्र कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं कि यहाँ लगातार मासूमों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, इसके अलावा यहाँ लगातार मर्डर और कई तरह के अपराध हो रहे हैं, पेपर लीक के मामले हैं, कई मामले वो उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कारक बन रहा है और इसको लेकर कांग्रेस चुप है। प्रियंका गांधी पर भी सवाल उठाते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ यूपी में या कहीं चुनाव, वो जिस तरह की घटनाएं होती है तो वहाँ पहुँचती है, और राजस्थान की घटना पर भी नहीं पहुँची। क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी सवाईमाधोपुर में है, वहाँ भी कई घटनाएं हो चुकी है, तो ये जो आरोप है वो सही है, क्योंकि कानून व्यवस्था पर क्यों नहीं बोलते? आपने दोबारा बीजेपी की जो उनकी जो बातें हैं उन्होंने आपने सुनाई, मैं आपको कांग्रेस की बातें सुनाता हूँ। जब हरियाणा के जो हमारे खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, जब दिल्ली पर वो विरोध कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी, न्याय की हम अपेक्षा कर रहे थे। भाजपा ने उस सांसद के खिलाफ आज भी कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रदेश में राजस्थान के तुलना में मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर अत्याचार और अन्याय के जो संख्या है राजस्थान के तुलने से बहुत ज़्यादा है। तो दुख की बात यह है कि भाजपा के लोग राजस्थान के नाम को, इस माटी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। जहाँ पे भ्रष्टाचार की बात आती है तो राजस्थान के बड़े बड़े नेता हैं जिनका मैं नाम उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, पर सभी जानते हैं वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार और भ्रष्ट उन पर एलिगेशंस उन पर लगे हुए हैं। अंत में जैसे कि मैंने कहा कि जनता जनार्दन है और जनता ने ये सोच लिया है कि इस बार राजस्थान में दोबारा कांग्रेस पार्टी को जिताना है। धन्यवाद, थैंक यू।